सोलन के पुराने बस अड्डे पर पिछले कई वर्षों से रेन शटर नहीं था। तपती धूप हो या तेज बारिश, बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों का सिर छुपाने और बैठने की सुविधा नहीं मिलती थी। यात्री रेन शटर की काफी समय से मांग कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में सोलन व्यापार मंडल को अवगत करवाया तो व्यापार मंडल ने इस कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद को आग्रह किया। जिला प्रशासन ने भी इस मांग को स्वीकार करते हुए बस स्टैंड पर खाली पड़े HRTC के कार्यालय को रेन शटर में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ किया है, जिसकी वजह से सोलन वासियों में खुशी की लहर देखी गई है। आज महिलाओं द्वारा काफी लंबे समय से बंद पड़े HRTC के कार्यालय का ताला खोलकर वर्ष शालिका का कार्य आरंभ करवाया गया। शहरवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें रेन शटर न होने की वजह से खुले में धूप और बारिश को सहना पड़ता था, लेकिन अब रेन शटर के निर्माण से उन्हें बैठने की सुविधा मिल जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने व्यापार मंडल का इस कार्य के लिए आभार भी व्यक्त किया। सारी सवारियां दुकानों में बैठती है, बैठने का कोई मतलब साधन नहीं है। यहाँ पे वर्षा वगैरह होती है तब वो मतलब दुकानों के आगे खड़े होते हैं। अब धूप वगैरह होती है, धूप में मतलब बेचारे कहाँ जाएंगे पहले बताओ, लेडीज वगैरह चाहे जेंट्स है चाहे जो भी है, बच्चे वालियां हैं तो वो भी मतलब। इसलिए हम सबसे पहले व्यापार मंडल वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमारी शिकायत सुनी और ये हवा घर बनाया। हाँ कर रहे हैं हम यहाँ 15 साल से इसी मांग को व्यापार मंडल जो पहले वाले थे उनसे बोलते आ रहे थे, कमेटी वालों के पास जाके आते थे, उन्होंने कोई हमारी इस चीज़ में शिकायत नहीं सुनी कि जो ये यहाँ पे रेन शटर था उस रेन शटर को बंद कर रखा था इन्होंने। उसकी जगह जो यहाँ बुकिंग ऑफिस था वो 16 साल से बंद था, उसको इन्होंने खुलवा के एक आम पब्लिक के लिए और इसकी जगह इसमें रेन शटर तैयार किया जाएगा। काफ़ी टाइम से डिमांड थी, अब ये हमारे जो व्यापार मंडल के मुकेश गुप्ता जी हैं इन्होंने हमारी मांग को पूरा किया और ये रेन शेल्टर के लिए आज ये ताला इन्होंने खुलवाया है, क्योंकि ये बुकिंग ऑफिस था और अब हम इसको बहुत ही जल्दी व्यापार मंडल रेनोवेट करेंगे और इसको बिल्कुल दीवार को तोड़ के इसका बिल्कुल रेन शेल्टर बना दिया जाएगा। वहीं सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि इस बस स्टैंड पर आने वाले लोगों को विशेषकर महिलाओं को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने रेन शटर की मांग नगर परिषद और जिला प्रशासन के समक्ष रखी थी, जिसे उनके द्वारा पूरा कर दिया गया है। पुराने बस अड्डा के जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने एक चिट्ठी जो व्यापार मंडल सोलन को लिखी और उसमें ये मांग दर्शाई कि हमें एक यहाँ पर वर्षा शालिका मिले। हम उसी चिट्ठी के ऊपर हमने तत्काल प्रभाव से काम करते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारी और दुकानदार SDM सोलन श्री रोहित राठौर जी से मिले ने हमारे मांग के ऊपर ध्यान देते हुए इसको सहर्ष स्वीकार किया। सम्मानीय महिलाओं ने आज उसका ताला खोला है और हम जल्दी ही इसकी दीवार वगैरह निकाल कर और इसको एक बैठने योग्य अच्छा रेन शेल्टर में इसको परिवर्तित कर देंगे।